ये जी सामने बानी पाकिस्तान का टोंब आ गया, जिसको कि मज़ार कायद भी कहा जाता है। मज़ार कायद जो है ये तकरीबन 1960 और 1962 की दहाई में जो है ये तमीर किया गया था। मोहतरमा फातिमा जना की कब्र है। ये पांच कब्रें, ये पांच शख्सियात, वो अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने आगे चलते जाएँ तो ये डाइनिंग टेबल आ गया उनका। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अब हम मज़ार कायद की तरफ जा रहे हैं। मज़ार कायद पर रवा दवा। मज़ार कायद का सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए मुझे देखकर ही मेरी कांपें टांग रही हैं जी। मज़ार कायद नज़र आना शुरू हो गया है, शुक्र है मेरी कांपें टांगना बंद हो गई। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था। फाइनली हम मज़ार कायद पर पहुँच चुके हैं, तो आज हम आपको मज़ार कायद की सैर करवाएंगे और आपको परेड भी दिखाएंगे और सारी जो चीज़ें हैं इसकी मज़ार कायद की एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये मज़ार कायद की ग्राउंड है सारी, ये बाग बना हुआ बहुत बड़ा है। मेरा ख्याल है वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वही मज़ार कायद है। वो आ चुका है मज़ार कायद, और शुक्र है मुझे मज़ार कायद नज़र आ गई, नहीं तो मेरी तो कांपे टांग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा दूर इतनी है पता नहीं कैसे जाएंगे, अब मेरी कांपे टांगना बंद हो चुकी है क्योंकि मुझे मज़ार कायद नज़र आ गया। अब हम जा रहे हैं मज़ार कायद के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी मज़ार कायद नज़र आना शुरू हो गया हमें। ये जी सामने बानी पाकिस्तान का टोंब आ गया, जिसको कि मज़ार कायद भी कहा जाता है। ये इसका जो सारा रकबा है ये तकरीबन 132 एकड़ के पे फैला हुआ रकबा, और इसके अंदर बाग भी आते हैं। ये जो इस सारे के ऊपर जो आप संगे मरमर देख रहे हैं, ये सारा संगे मरमर जो है ये केपीके से लाया गया था, जो यहाँ पे नस्ब किया गया है। ये मज़ार कायद जो है ये तकरीबन 1960 और 1962 की दहाई में जो है ये तमीर किया गया था, तब इसकी तमीर जो है वो शुरू हो चुकी थी। 1960 तक तकरीबन किसी के जहन में नहीं आया था कि मकबरा किस तरह बनाया जाए, लेकिन 1962 में फिर यहिया खान साहब ने जो है ये इसकी तमीर शुरू करवाई। कोरोना की वजह से मज़ार जो है वो बंद किया हुआ है, तो मैं आपको इधर से इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। दूर से ही इसके जो अंदर फनूस लगाया गया है वो तकरीबन उसकी 80 फीट लंबाई है, और वो उसका वजन जो है वो 40 मन है। असल कब्र जो है वो 14 फीट नीचे है। ये जो ऊपर कब्र बनाई गई है ये लोगों को फातिहा खाने के लिए बनाई गई है। इधर आवाम बहुत ज़्यादा आता है फातिहा खाने के लिए मज़ार कायद पर। इसकी जो हाइट है तकरीबन 8 से 10 मंजिल इसकी हाइट है, और ये सारा संगे मरमर से तैयार किया गया है। और इसकी असल कब्र जो है वो नीचे फातिहा खाने में वहाँ पे से खोला जाता है दरवाज़ा। इसके बाहर के रेड कलर के दरवाजे लगे हैं, ये भी प्योर पीतल के हैं, और इसका भी वजन तकरीबन 80 मन एक दरवाजे का वजन है। ये जी इसकी लाइब्रेरी, अब हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। ये खुली हुई है लाइब्रेरी। ये खान लियाकत अली की कब्र है, ये उनकी बेगम की कब्र है। मोहतरमा नूरुल अमीन साहिब, यार अब्दुल रब निश्तर साहिब हैं, और एक कब्र रह गई है। इसके अंदर टोटल पांच कब्रें हैं। कब्रें आपको दिखा, मोहतरमा फातिमा जना की कब्र है। ये पांच कब्रें, ये पांच शख्सियात, वो अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने तहरीके आज़ादी में हिस्सा लिया था और अहम करदार अदा किया। ये पांच कब्रें उन लोगों की हैं। मज़ार कायद तो उन्होंने कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है 13 मार्च से लेकर अभी आगे पता नहीं कितनी देर तक जाता है, वो कुछ नहीं कह सकते। तो अभी लाइब्रेरी इसकी ओपन है, तो लाइब्रेरी में हम जाकर जो है वो आपको विजिट करवाते हैं। ये टिकट है इसकी 10 रुपये, तो टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। ये जी हमने टिकट ले लिया, अब हम चलते हैं कायदे आज़म के म्यूज़ियम जो बना हुआ है, उनकी जो यादगार चीज़ें हैं उनके अंदर, वो आपको जाकर विजिट करवाते हैं। ये जी कायदे आज़म साहब की एक गाड़ी ये है, और एक गाड़ी वो सामने खड़ी हुई है। ये दो गाड़ियाँ इनकी, एक ब्लैक और एक वाइट है। एक ये गाड़ी है इनकी ब्लैक कलर की। मोहतरम जनाब हमारे कायद,
बानी है पाकिस्तान की, ये चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। कैद आजम के भाई अहमद अली जनाब, ये उनकी फ़ोटो है। ये वो काला कुर्ता जब वो वकालत करते थे तो ये इस कुर्ते को पहना करते थे वो। ये इनकी अम्ब्रेला छतरी पड़ी हुई है। ये कायद आजम के जूते आ गए, ये पड़े हैं जूते इनके। ये फातिमा जना की भी चीज़ें साथ ही पड़ी हुई है। ये उनकी कुर्सियां मेज़ पड़े हैं जी, जिसके ऊपर वो बैठा करते थे। वो सोफ़े सामने वो देखें, और बैठे हुए की भी एक एक दो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। ये वो शेर है जिसकी चीता, बल्कि ये असल चीते की खाल जो पड़ी हुई है, ये वाली सारी चमड़ा, ये उन्होंने अपना खुद शिकार किया था इसका। ये इसकी हिस्ट्री है, लोग बताते हैं, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ये उन्होंने खुद शिकार किया था या वैसे ही इधर रखी हुई है खाल इनकी। ये चीते की असल खाल है। वो सामने उनके बर्तन पड़े हैं। आगे चलते जाएं तो ये डाइनिंग टेबल आ गया उनका, जहाँ पे बैठ के वो अपना नाश्ता खाना दोपहर का सुबह का खाया करते थे। ये मेज़ वगैरह पड़े हैं, और मुख्तलिफ़ जो आते थे उनके साथ करने के लिए मुलाकात, उनको भी खाने पे इनवाइट किए करते थे। ये इनका बेड आ गया। एक आँख वाले चश्मा जो वो अक्सर लगाया करते थे, ये दो आँख वाले चश्मा पड़ा। इधर ही हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आज हम मज़ारे कायद पे आए थे, वो पीछे आप मेरे देख सकते हैं मज़ारे कायद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट कराची की वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका निगेबान।